S7 न्यूज चैनल ने आपको सुबह प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि नगर पालिका द्वारा नालों के निर्माण में धांधली हो रही है, पीली ईंटों का हो रहा है इस्तेमाल। इसको देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट पहुंचे थे और हमने प्रमुखता से खबर दिखाई। खबर का असर दिखाई पड़ रहा है, रायबरेली के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने वहां का निरीक्षण किया है। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि रायबरेली के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने नगर पालिका के द्वारा बनाए जा रहे नाले के निर्माण में निरीक्षण किया है। नगर पालिका के नाले के निर्माण में धांधली हो रही थी। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट व ADM भी साथ में थे निरीक्षण करने में। DM के निरीक्षण में खुली ठेकेदार और पालिका के गठजोड़ की पोल, इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मानकों को ताक पर रखकर बनाया जा रहा था, निर्माण कार्य हो रहा था। हमने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, S7 न्यूज चैनल ने प्रमुखता से खबर आपको दिखाई थी किस तरह से घटिया ईंटों का इस्तेमाल कर रहे हैं टिपुला में बन रहे नाले में। जिलाधिकारी, खबर का असर दिखाई पड़ा S7 न्यूज चैनल का, खबर का असर। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फर्म के विरुद्ध FIR और ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव पहुंचे और उन्होंने फर्म के विरुद्ध FIR दर्ज करने के आदेश दिए और उसको ब्लैक लिस्टेड करने की बात कही है। शहर के टिपुला चौराहे के पास का मामला है। S7 न्यूज चैनल ने प्रमुखता से इस खबर को सुबह ही दिखाया था। खबर का असर दिखाई पड़ रहा है। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव पहुंचे और उन्होंने कार्रवाई की। S7 की डेस्क रिपोर्ट। खड़वाएंगे नहीं, अब आप मुझे जवाब देंगे। पहले पीछे सुन लीजिए, पीछे कॉन्क्रीट भी कर चुका है वो, दो दिन में करेगा सर। सैटरडे संडे छुट्टी में किया है सर, मैं पूरा भी खुलवा रहा हूँ सर। अभी मैं समझ नहीं जान रहा हूँ, मैं पूरा खुलवा रहा हूँ सर। इसका एक पास नहीं रहे हैं आप, FIR करा रहे हैं, फर्म को ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं, काम को श्रमदान घोषित कर रहे हैं, टेंडर कैंसिल करके नया टेंडर कर रहे हैं। और अगर ये मिला तो अगली बार आप सस्पेंशन लिस्ट में जा रहे हैं। मैं सर इसको पूरा उतरवा के भी जाऊंगा। मतलब मजाक ही चल रहा है? नहीं सर, बहुत गलत सर, बहुत खराब सर। मैं ऐसा कभी काम ही नहीं कराता हूँ सर।